नमस्कार, स्वागत है आपका कैपिटल टीवी में। पंजाब कांग्रेस के नए प्रदेश अध्यक्ष नवजोत सिंह सिद्धू की ताजपोशी के चलते कोरोना नियमों को ताक पर उठाकर रख दिया गया। जी हां, इस समारोह में जमकर भीड़ उमड़ी। कोरोना के नियमों को अनदेखा करके न तो किसी ने मास्क पहना और न सामाजिक दूरी का पालन किया, वो भी तब जब चंडीगढ़ में धारा 144 लगी हुई है और अब पुलिस ने इस मामले में FIR दर्ज की है। इस रिपोर्ट में देखिए। पंजाब कांग्रेस के नए प्रदेश अध्यक्ष नवजोत सिंह सिद्धू के कार्यभार संभालने के दौरान 10,000 से ज्यादा लोगों की भीड़ उमड़ पड़ी। शहर में लागू धारा 144 की जमकर धज्जियां उड़ाई गईं। ज्यादातर लोगों ने कोविड-19 के नियमों को अनदेखा कर न तो मास्क पहना और न सामाजिक दूरी का पालन किया। आलम यह था कि पुलिस ने मौके पर कोई कार्रवाई नहीं की। यही नहीं, 6.5 घंटे तक यातायात व्यवस्था भी चरमराई रही। लोगों को PGI तक पहुँचने में दिक्कतों का सामना करना पड़ा। देर चंडीगढ़ पुलिस ने धारा 144 के उल्लंघन पर IPC की धारा 188, IPC 269 और 270 के तहत अज्ञात लोगों के खिलाफ मामला दर्ज किया गया, जबकि कार्रवाई में कई नामी विधायक व कांग्रेस के नेता मौजूद रहे। सेक्टर 15 स्थित कांग्रेस भवन में पंजाब के मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह और पंजाब प्रदेश कांग्रेस के नए अध्यक्ष नवजोत सिंह सिद्धू के आने पर सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम थे। कड़ी मशक्कत के बाद किसी तरह जाम खुलवाया गया। करीब 1 बजे कैप्टन अमरिंदर और 1:30 बजे नवजोत सिंह सिद्धू का काफिला वापस गया तो एक बार फिर जगह जगह वाहन चालकों को जाम से जूझना पड़ा। वहीं कांग्रेस भवन से करीब 100 मीटर दूरी पर PGI चौक पर ड्रोन उड़ाते हुए पुलिस ने युवक को हिरासत में लिया है, साथ ही उसका कैमरा भी जब्त कर लिया गया। पूछताछ में युवक ने बताया कि वो मूल रूप से फिल्लौर का रहने वाला है। एक पार्टी ने उसे ड्रोन उड़ाकर फोटो खींचने के लिए हायर किया है। कांग्रेस भवन के पास साइकिल ट्रैक पर भी गाड़ियां खड़ी कर नियमों की धज्जियां उड़ाई गईं। पोल पर भी पोस्टर लगाए गए थे। PGI चौक तक पोस्टरों से स्ट्रीट लाइट के पोल व दीवारों को पाट दिया गया था। इसकी न कोई अनुमति ली गई और न किसी को कोई जानकारी दी गई, जबकि शहर में एक पोस्टर लगाने पर भी कड़ी कार्रवाई होती है। इसके बावजूद पोस्टरों को हटाने के लिए पुलिस व अन्य विभागों की ओर से कोई कार्रवाई नहीं की गई। कार्यक्रम के बाद पोस्टरों को इधर उधर फेंकते हुए भी कई समर्थक दिखे। इस दौरान अधिकारी भी किसी प्रकार की प्रतिक्रिया देने से बचते रहे। पंजाब का पुलिस प्रशासन हर हरकत को मूक दर्शक बनकर देखता रहा। मास्क न लगाना, भीड़ जमा करना, बीमारी को लापरवाही करके बढ़ाने की कोशिश करना, बिना अनुमति के पोस्टर लगाना, लेकिन फिर भी कोई कार्रवाई न करना, ये संदेश देता है कि पंजाब सरकार ने ये सब जानबूझकर किया हो। वैसे तो कांग्रेस पार्टी कोरोना को लेकर PM मोदी को घेरने का एक मौका नहीं छोड़ती है, लेकिन पंजाब में खुद की ही सरकार होने के बाद भी इस तरह की लापरवाही को क्या कहा जाएगा। इस खबर में फिलहाल इतना ही। बने रहिए कैपिटल टीवी के साथ। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें, ताकि आप तक हमारे वीडियो की नोटिफिकेशन पहुंचती रहे। आप अपना सुझाव हमें कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। हमारे साथ जुड़ने के लिए शुक्रिया।